प्रियंका गांधी के रोड शो से आखिर गायब क्यों रहे तीन पूर्व अध्यक्ष। प्रियंका के रोड शो में तीन बड़े नेताओं के नहीं आने के मायने क्या हैं? कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने यूपी में अपने चुनावी अभियान की शुरुआत लखनऊ में एक रोड शो के जरिए की। इस दौरान उनके साथ उनके भाई और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी समेत यूपी कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता मौजूद रहे, लेकिन प्रदेश कांग्रेस के तीन पूर्व अध्यक्ष नहीं आए। उधर सियासी गलियारे में प्रियंका गांधी के कार्यक्रम से इन नेताओं की गैर मौजूदगी के सियासी मायने निकाले जाने लगे हैं। दरअसल कांग्रेस महासचिव और पूर्वी यूपी की जिम्मेदारी मिलने के बाद प्रियंका गांधी 11 फरवरी को पहली बार 4 दिवसीय दौरे पर लखनऊ पहुंची थी। इस दौरान प्रियंका के रोड शो में तमाम दिग्गज नेता शामिल थे, लेकिन कांग्रेस के श्री प्रकाश जायसवाल, सलमान खुर्शीद और निर्मल खत्री नहीं दिखे। ये तीनों नेता उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं। खास बात यह है कि जायसवाल, खुर्शीद और निर्मल खत्री प्रियंका के रोड शो में ही नहीं बल्कि प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में भी नजर नहीं आए। ऐसे में इन नेताओं की गैर मौजूदगी के सियासी मायने निकाले जाने लगे हैं। हालांकि कांग्रेस की ओर से इन नेताओं के शामिल नहीं होने पर पार्टी के प्रोटोकॉल की दुहाई दी जा रही है। कांग्रेस की ओर से कहा जा रहा है कि ये तीनों नेता कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, ऐसे में इन्हें कांग्रेस के प्रोटोकॉल के तहत न्योता देकर बुलाया जाता है, तभी वो आते हैं। वो बिना बुलाए नहीं आते और यही वजह है कि वो तीनों नजर नहीं आए। अब कांग्रेस के अपने तर्क हैं, लेकिन रोड शो में सूबे भर के नेता शामिल हुए थे। राहुल और प्रियंका के साथ रथ पर प्रदेश अध्यक्ष राजबब्बर, आरपीएन सिंह, जितिन प्रसाद, राजीव शुक्ला, अनु टंडन, प्रमोद तिवारी, अजय कपूर, पीएल पुनिया, प्रदीप माथुर, अखिलेश प्रताप सिंह, इमरान मसूद और ललितेश पति त्रिपाठी जैसे दिग्गज नेता सवार थे। प्रियंका के स्वागत में प्रदेश कांग्रेस दफ्तर को जहां सजाया और सवारा गया था, वहीं एयरपोर्ट से लेकर पार्टी दफ्तर तक को पोस्टर बैनरों से पाट दिया गया था। लखनऊ के आसपास के जिलों के कार्यकर्ता प्रियंका के रोड शो में शामिल हुए थे। ऐसे में नेताओं के शामिल नहीं होने पर सवाल उठना लाजमी है। इंडिया न्यूज फाइनल की रिपोर्ट।